सा तो आज के मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मम्मी वाले घर पे। तो बैकग्राउंड में आप देख सकते हो मम्मा हुकुम जो कि फटाफट से ओढ़नी लेके आए हैं। यहाँ से बोल रही है मम्मी के मन तेरे मतलब जो है ना ब्लॉगिंग लाइफ में होता है पता है क्या होता है, जो फैमिली वाले ना वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक तो क्योंकि मम्मा है ना भाग भाग के, क्योंकि वो बिना ओढ़ने के रहते हैं मम्मी, और फिर भाग भाग के लेके आना पड़ता है मम्मा को ओढ़ना है। मम्मी ओढ़नी ओढ़नी पड़ती है सर। गाइस यार आप क्या ही करते हो यार, आप कमेंट कर दो ना मम्मी के लिए कि मत ओढ़ा करो ओढ़नी। नहीं ऐसे तो नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता। और हमारी रानी को भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये है रानी मोगा। हाँ हाय कर रही है आप सबको, बोल दादा दादा। ये हमारा हेलो गाइस जो कि आज बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। काफी सारे कमेंट आते हैं मम्मी के लिए, कितनी गोरी है आपकी सासू माँ। हाँ ये नेचुरल ब्यूटी है भाई गाइस, पैदाइशी। तो गाइस आज मुझे और नीता को जाना है बर्थडे पार्टी में जतन भाभी सा के, जो छोटे वाले आ रहे हैं नीता के पास भी जाके आएंगे। नीता हमारे हेजल के लिए बना रहे हैं ओट्स, पता नहीं क्या क्या। अच्छा आज क्या बना रहे हो फिर आप? आज कुछ और बना रहे। अच्छा आज कुछ और बना रहे हैं, सूजी का कुछ हलवा वगैरह, उपमा बना रहे हैं। तो चलो आप नीता के पास, मैं आपको लेके जाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ हम जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में जतन भाभी सा के, और आज के व्लॉग में आप कंटिन्यू रहना। फटाफट से मुझे गिफ्ट लेके आना है, काफी सारे काम करने हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, नीता से मिलवाती हूँ आपको। ये हमारे नीता, तो गाइस ये देखो लाइव छुकन। मैंने सोचा यार डिनर करवा के लेके जाती हूँ उसको, वहाँ ना ऐसे परेशान हो जाएगी। मतलब एक अच्छी माँ बहुत है हमारे नीता। तो गाइस टमाटर को बच्चों के लिए ऐसे काटे इसका पूरा ये जो है ना, अच्छा क्योंकि चिपक नहीं जाए ना पेट में, चिपक ना जाए कि बच्चे के, ये क्या गलता नहीं है, डाइजेस्ट जल्दी से नहीं होता है। ओके नीता इतना ध्यान रखते हो आप? नहीं ये तो मैं भी पर्सनल सब्जी बनाती हूँ ना, तो मैं अपने लिए भी करती हूँ। ओहो नीता तो अपने लिए भी करता है, मतलब नीता आप देख सकते हो नीता खुद के लिए भी जीते हैं। तो फटाफट से मैं जाती हूँ सेंट्रम, नहीं ये क्या है T2S के आई, ये T2S पास में ही है, तो वहां जाके मैं कुछ टॉय वगैरह लेके आ जाती हूँ। हमारे जो ऋषभ है ना वो मुझे बोल के गया है स्पेशली, हाँ ऋषभ स्पेशली बोल के गया है मुझे कि मम्मा आप है ना गुरु और देव के लिए, जो भी देव है ना देव के लिए आप है ना गिफ्ट लेके आना, क्योंकि अगर पैसे आप दोगे तो देव के मम्मा के काम आएंगे, तो आप पैसे बिल्कुल मत देना, आप है ना सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट लेके आना। बताओ मेरा बेटा कितना समझदार है ना मम्मा, हल्दी का समझदार तगड़ा है आपके बेटे है ना। ओ सारे लाडली ओ मारे थोड़ी थोड़ी। तो काफी सारे टॉयज थे बट मुझे देव बना के अकॉर्डिंग कुछ लगा नहीं, छोटे मोटे से हैं, छोटे बच्चे खेल सकते हैं इनमें, मतलब 2 ईयर 3 ईयर या फिर 5 ईयर। फिर मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ बॉटल, जो कि बहुत ही अच्छी लगी मुझे, और वो स्कूल में भी ले जाएंगे। और ये हमारे भैया जो कि बोल रहे हैं मेरे को व्लॉग में मत लेना, इनको पहले लूँगी। कर दिया पैक, लाओ सा। ये क्या करना है? वारंटी। अरे वारंटी कौन देता है गिफ्ट में, वो आएंगे क्या कोई गिफ्ट की वारंटी लेने के लिए? सो गाइज मैंने लिए आइसक्रीम, और यहाँ पे बबाल मच गया, हमारा बच्चा रोने लग गया आइसक्रीम के लिए। जुकाम हो जाएगी बेटा, मैं तो हूँ पागल, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे मच जाओगे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है क्या? क्या बना रहे हैं? गुस्सा आ रहा आपको नहीं आ रहा? जुकाम हो जाएगी अब सर्दी। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये मैंने चूड़ा नहीं खोला है, मम्मा तो ऐसे बोल रही थी कि सलवार सूट पे एक ही चूड़ी पहन सकती है, बट मैंने नहीं खोला। और मैंने आज सूट पहना है नायरा कट, जो कि मुझे रिसीव हुआ है सुरभि की शॉप से। अगर आपको भी परचेज करना है तो मैं स्क्रीन पे नंबर दे रही हूँ, आप सुरभि से बात कर सकते हैं और उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी परचेज करना है इतना प्यारा सा नायरा कट, पूरा लुक दिखाऊंगी नीचे। नाराज हो गई, बर्थडे में नहीं जाना, लेके जाऊंगी मैं, लेके जाऊंगी मैं चांद। अरे यशविनी ये लाइट ही लाइट कैसे हो गई? सो गाइस फाइनली मैं भी रेडी हो गई, किशा भी रेडी हो गई, ऋषभ भी रेडी हो गया, और हमारे जो नीता है वो भी रेडी हो गए। अब जा रहे हैं हम, किशा को थोड़ा सा नाराज हो गई तो इसको राजी करना पड़ेगा मुझे।
भाई साहब की वजह से नाराज हुई है। पूरी की पूरी बिल्डिंग चमक उठी है। दीपावली तो आई भी नहीं और मम्मा के नीचा भी शॉप नहीं, शॉपिंग करने आए हैं, मतलब देव बना के लिए गिफ्ट लेने आए हैं। हम आए हैं एनआर मार्ट में जो कि एकदम मंगलम आचल के पास ही है। चलो यशु। तो यहाँ पे नीचा देख रहे हैं, मुझे ये चाहिए। इनमें सब पे ऐसे लिखा हुआ होता है, देखो ये क्या है, ये 3+ है, सुपरमैन। दोनों बच्चे खाली ट्रॉली में आए हैं, बताओ। ये तो भरी हुई है। चलो आ जाओ। ये किसका है? ये बाल सकती है? ये हेजल आ गई। ए हेजल ले ले। हेजल लग जाए। पार्टी फिनिश भी हो गई है। सही बताओ। 6 बजे आने का बोला था। कहाँ अपन 7:30 जा रहे हैं। अपन किसका बर्थडे है, क्या बोला आपने? मेरा बर्थडे है। आपका बर्थडे है? आज बर्थडे में क्या क्या किया आपने? कोल्ड केक, पॉपिकल वाले और कोल्ड ड्रिंक और ना कोल्ड। ऋषभ का है? ऋषभ नहीं है यहाँ पे? आ गया। कब का आ गया वो? शायद पार्क में गया है। अच्छा चलो। ईशु यहाँ पे थोड़ी सी उदास हो गई क्योंकि केक कट हो चुका है। तो बर्थडे पार्टी में हम पहुँचे बट लेट पहुँचे। अब नीत्सा हमारे हेजल को खिला रहे हैं। अब इसके बाद में बस खाना खाना बचा है, वो हम खा लेंगे। अब खाने में क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। खाने में है पनीर की सब्जी और दाल मखनी, और स्वीट्स में है केसर बर्फी एंड रसगुल्ला, चपाती एंड जीरा राइस। तो ये सारी चीज़ें खाने में थी और नीत्सा हेजल को खिला रहे हैं। नीत्सा भाई अच्छी मॉम बहुत है, हेजल को कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं। काकू है, काकू, काकू को पहचानते नहीं हो? ये पहचानने लग गए। हाँ, ये थोड़ी छोटी है ना। ठीक है युवराज होना, बाय, मिलते हैं संडे को। यशविनी आंखें बंद करो। नीत्सा को फोन है धड़कन के आंखें को। अच्छा ये कमरा में तेल कना रहे हैं स्नेक है। हाँ मुझे डर लग रही है यार। सांप आ गया आज। यशविनी सांप। ये पापा को डरा दी। सांप आ गया। सांप आ गया। काल का ब्लॉग देख क्या के मारा। आज को काल को। ये को देख क्या। सांप आ गया। सांप आ गया। आपके पापा कैसे डरती हैं? कल का थंबनेल। घर में आया सांप। ऋषभ के पापा के ऊपर चढ़ गया। थंबनेल करना। रुको, अब कल का थंबनेल है, मम्मी के ऊपर आया सांप और ऐसे गले में बैठा। गिज्जे गिज्जे सांप हो। कीशा हमारे यहाँ पे जंप कर रही है और काफी अच्छी डेकोरेशन की है सारे फ्लैटों की, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब बाहर का व्यू। ऋषभ के पापा को बोलूंगी अपने वाली बिल्डिंग के भी है ना थोड़ा वो धो करो, तो देखते हैं वो तो आगे जाने के बाद में पता चलेगा। अब चलते हैं घर पे, और घर पे जाने के बाद में कुछ नहीं करना, सोना ही है। खाना वाना हमारा कंप्लीट हो चुका था, मैं और ऋषभ और बच्चे वहाँ पे खा के आ गए थे। ऋषभ के पापा ने मम्मी के खाना खा लिया। अब मिलते हैं आपको मॉर्निंग में। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट डे की हमारी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है कुछ इस तरह से, ये देख सकते हो। अभी दिवाली की सफाई है, उसका लास्ट डे है आज। मैं और रजनी दीदी पूरा काम फिनिश कर देंगे। और रजनी दीदी आपके भाई की शादी कैसी गई? बहुत अच्छी गई है। हमारे जो रजनी दीदी है ना उनके भाई की शादी थी, तो वहाँ पे तो आपने ही कर लिया। हाँ साल तो आपने ही कर लिया, मेरे लिए क्या छोड़ा? नहीं बाहर बाहर का आपके लिए छोड़ दिया ना। साया आपने कर दिया। बस शीशे वगैरह हैं दो। हाँ नहीं 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 वैसे तो देखो रजनी दीदी ने यहाँ से साफ कर दिया, ये वाला साफ कर दिया, ये वाला पूरा का पूरा शीशा साफ कर दिया। इधर मैं किचन में लगी हुई हूँ, किचन का मैं सारा फिनिश कर दूंगी। हाँ ऊपर ऊपर का छोटा सारे किचन वगैरह। हाँ सारे आपने कर लिए, तो मैंने सोचा ना रजनी दीदी फिर है ना लेट हो जाएंगे अपन। नहीं नहीं आप काम में होशियार हो ना, इसलिए फटाफट आपको बैठा नहीं जाता। थैंक यू सो मच रजनी दीदी, आपने बोला मुझे ऐसा। वैसे मैं काम में होशियार हूँ क्या रजनी दीदी, रियल में? हाँ मजाक नहीं, सच्ची में सुबह से
थैंक यू सो मच। सुबह सुबह रजनी दीदी झूठ नहीं बोलती सा, मैं काम में हुशार हूँ। रजनी दीदी ने अगर बोल दिया है तो ये बात 100% सही है। मैं मेरी बड़ाई मैं खुद ही कर लेती हूँ यार, कोई बात नहीं। तो गाइज अभी मेरे को रजनी दीदी को आज ना पूरा का पूरा जितना भी दिवाली का जो भी सफाई होती है ना वो आज पूरी फिनिश कर देनी है हमें। बस ये कहना लेट बात पड़े वो मैं ना 2 दिन बाद में करूंगी गाइज। अब रजनी दीदी का बता देती हूँ काम। जैसे ये वाली खिड़की उन्होंने साफ करी दी, वो वाली जाली बाकी है और किचन वाली बाकी है और इस वाले रूम की बाकी है, ये सारी चीजें बाकी है। और रजनी दीदी को है ना फैन साफ करने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये हाँपने लग जाते हैं, पतले से तो है ही है तो ये हाँपने लग जाते हैं, तो इनको है ना मैं साफ कर दूंगी। अरे यार नहीं रजनी दीदी, मैं वो मेरे से ना बोला नहीं जाता, मेरी मेरी एक खासियत है। तो गाइज अब मैं फटाफट से किचन साफ कर देती हूँ और रजनी दीदी अपना काम कर लेंगे, नहीं तो ये मेरे से पहले सलटा देंगे। ठीक है गाइज, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। फटाफट से मैं मेरा पूरा काम फिनिश कर देती हूँ। आज है ना मैं दीपावली की जो भी साफ सफाई है वो पूरी फिनिश कर दूंगी क्योंकि हमारे हेल्पर जो रजनी दीदी है वो भी बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं, तो ये सारा काम ये कर देंगे, ड्रॉअर वगैरह सारी चीज़ें ये पहुँच देंगे और मैं आज पूरा किचन साफ कर दूंगी। यहाँ पे हमारे ऋषभ के पापा जो कि कुछ नहीं करते, इन्होंने मुझे ये बोला है कि मुझे गर्म पानी पीना है तो इनके लिए मुझे गर्म पानी भी बनाना है क्योंकि अभी जस्ट उठे ही हैं ये। और किशा को ऋषभ को मैंने स्कूल भेज दिया है। जैसे हम उठे पूरा घर का क्या जमावड़ा फैलावड़ा कर रखा है इधर सब की मम्मी ने। आप तो अभी उठो, ऐड है मैं रजनी दीदी ला गए 6 बजे। ये क्या कराया सारा, ऐसे क्या कर रखा है, क्या कर रखा है हमने। आज दीपावली की है ना साफ सफाई हो रही है okay. हमारे घर में लक्ष्मी जी आएंगे okay. और वो आके ओनली मेरे पास बैठेंगे। ऋषभ के पापा के पास इसलिए नहीं बैठेंगे क्योंकि ये अपना माल अपने पास रखते हैं और मेरा माल मेरे पास रहता है। तो गाइज मैं मेरे लिए ही कामना करूंगी कि लक्ष्मी जी भगवान आप आओ मेरी अलमारी में बिराजो और मैं आपसे प्यार करूंगी, किसी को भी आपको देऊंगी नहीं, चाहे वो ऋषभ के पापा हो चाहे कोई हो। बस थार का ना गया, तुम्हारा नहीं आ गया था ऐसा और की बात है। सच्ची बता रहे हो? सच्ची बता रहा हूं। तो फिर भी मेरे ना आगे भी आबादी है करो। हां थारा ये दो के ना खटा है मेरा ऐड झूठा नहीं बहुत बुरा गाइस। पति अपने पास ही रखते हैं मेरे वाले, देते ही नहीं है मुझे कुछ भी। बस ये चूड़ा तो आप लोगों के लिए लेके आए हैं मेरे लिए कि भाई ठीक है आप सबको अच्छा लगेगा। आज ना हमारी पूरी बिल्डिंग की भी सफाई हो रही है, ऊपर छत की भी सफाई हो रही है, पूरे ना सीढ़ियों की भी सफाई हो रही है। मतलब आज का दिन है ना पूरा का पूरा, आप तो देख के आ जाओगे सब लग रहे हैं। सारी पूरी सीढ़ियों में डाल दो नीचे तक ना। हाँ सही है, सुखाना लेकिन बाद में कोई गिर नहीं जाए। वैसे नीचे नीचे लिया मैंने। बिल्डिंग मेरे नाम है गाइस, मैं रखती हूँ इनके घर में।
काम के बीच में ही मुझे लगने लग गई भूख और फटाफट से मैं बनाऊंगी आज पनीर की सब्जी बनाने वाली हूँ क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा मेरी जो एनर्जी है ना वो वेस्ट करूंगी। तो यहाँ पे बनेगी मटर पनीर एंड चॉपिंग मैंने सारी कर ली है, लहसुन भी मैंने छील लिया, लहसुन छीलने में मुझे बहुत ज्यादा जोर आता है। चलो फटाफट से मैं सब्जी बना देती हूँ फिर चपाती। यहाँ पे बन रही है मेरी पनीर की सब्जी और मैं बार बार में जाके रजनी दीदी को कपड़ा दे दे के आ रही थी। रजनी दीदी की बेटी है छोटी सी कीशा जितनी, तो वो कीशा के टॉयज से खेल रही है। कीशा के आने से पहले पहले वो खेल लेती तो खेल लेती, नहीं तो फिर वो खेलने नहीं देती। मेरा खाना बन चुका है, ऋषभ के पापा के लिए मैंने लगा दिए। रजनी दीदी ऐसे बोले झाड़ू पोछे के बाद में ही करूंगी। लो हुकुम, कितनी मस्त सी सब्जी बनाई है मैंने, ये देखो गाइज आप भी खा सकते हो। फाइनली मेरी दिवाली की जो भी साफ सफाई थी वो सारी फिनिश हो चुकी है, अब मुझे कुछ नहीं करना, सारा काम मेरा हो चुका है। और अभी जस्ट मम्मी का कॉल आया, मम्मी पापा अर्जुन मना और मेरी देवरानी जी जा रहे हैं जोड़ी, तो वो भी बोल रहे थे कि है ना तू भी चल ले, मतलब मेरे ससुराल है जोड़ी। अब किसी को नहीं पता होगा, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर उनको नहीं पता होगा, मेरा जो ससुराल है वो चूरू जिले में जोड़ी है, तो वहां पे मम्मा पापा और एक दो दिन के लिए जा रहे हैं, दो दिन के लिए जा रहे शायद, तो वहां जा रहे था। उनका फोन आया मेरे पास कि है ना तू भी चल ले अगर तू इंटरेस्टेड है तो। तो सोच रही हूँ यार जाऊं नहीं जाऊं, क्योंकि है ना बच्चों की स्कूल भी खराब हो जाएगी, ट्यूशन भी खराब हो जाएगा, तो अभी तक कुछ डिसाइड किया नहीं है मेरा, जाने का भी नहीं किया, नहीं जाने का भी नहीं किया, मतलब हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला। तो अब देखते हैं, वो तो आपको पता चल जाएगा आज के व्लॉग में, तो क्या ही पता चलेगा, कल के व्लॉग में पता चल जाएगा आपको कि मैं जाती हूँ या नहीं जाती। तो फटाफट से अब मैं खाना मैं भी खा लेती हूँ, ऋषभ के पापा खा के चले गए और रजनी दीदी भी खा के चले गए। और रजनी दीदी ने सच बता रही हूँ मतलब इतना साथ दिया मेरा आज, वो तो पूरे दिन कितना 12 बज चुकी है, हम दोनों लगे थे 6 या 7 बजे, मतलब 6-7 बजे के समथिंग लगे थे, अब जाके पूरा काम फिनिश हो गया मेरा और अब मैं आराम से दिवाली मनाऊंगी। दिवाली में मैं क्या क्या करने वाली हूँ ये तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि शायद ही मना पाऊं मैं। मामी सा ऐसे बोल रहे हैं कि उधर की साइड आ जाना आप, तो मैं या तो छोटे वाले मामी सा के पास जाऊंगी या फिर बड़े वाले मामी सा के पास जाऊंगी, वो तो आपको दीपावली पे पता चल ही जाएगा। तो आज का व्लॉग काफी बड़ा हो चुका है और इस व्लॉग को अपन यही एंड करते हैं। आई होप आज का व्लॉग आप सबने एंजॉय किया होगा, मैंने तो आज का व्लॉग बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया क्योंकि पूरे दिन काम में लगी हुई थी। वैसे तो आप भी यार सभी लगे होंगे, आप भी फिर भी मेरे व्लॉग देखते हो, मतलब इतना मेरे को पता भी है दीपावली में कितनी साफ सफाई हो जाती है, फिर भी आप सब मेरे व्लॉग देखते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। चलो तो अब करते हैं व्लॉग की एंडिंग यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।